सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल बहार फोटोग्राफी। एंड गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आई होप आप ठीक होंगे दोस्तों। तो मैं आज हाजिर हुआ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे चैनल बहार फोटोग्राफी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए यार, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस पिक्चर को कैसे बनाया और क्या क्या इसमें मैंने यूज़ किया। तो यार आप देख सकते हैं, जो मैं बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, PNG यूज़ करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, आप वहाँ सिर्फ क्लिक करेंगे और बिल्कुल फ्री में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यार चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस वीडियो को कैसे बनाना है और इस पिक्चर को हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं। तो यार ये देखें, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसको आपने गौर से देखना है और समझना है। यार देखिए, मुझसे अलावा इंडोर वीडियोस कोई भी नहीं बनाता। हर किसी के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 या 3 वीडियोस आपको मिलेंगी, उससे ज़्यादा आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो यार चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप समझ रहे होंगे यार आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। यार नहीं, आप किसी का भी चैनल खोल के देख लेना, आपको इंडोर वीडियोस नहीं मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी 2 या 3 से ज़्यादा आपको इंडोर वीडियोस नहीं मिलेंगी। और मेरे चैनल पर यार सबसे ज़्यादा इंडोर वीडियो हैं। तो यार आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं बना रहा हूँ, तो आपने इसको गौर से देख लिया ना। हम इसकी देखिए, मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। तो ये देखा, हम यहाँ से इसको यहाँ से जब लेज़र करेंगे तो हम इसे अपने अंदाजे से करेंगे कि हमने इसे किस तरह से करना है। तो चले आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने यार इसका बैकग्राउंड चेंज किया तो पैरों से। तो देखा, आपने देखना है कि अब मैं इसको कहाँ से क्या किस रेज करता हूँ। ये देखना यार, अभी मैं इसको जब छोटी करूँगा तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि मैंने बैकग्राउंड चेंज भी किया है इसका। तो देखना कितना प्यारा सर्कल बन गया, देखें। तो यार ठीक है, तो अब मैं आपने आगे देखना है कि मैं किस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम इसका शेडो बनाते हैं। ये शेडो हमने इसका बोल दिया, हमने कंट्रोल यू किया और स्ट्रक्चर से इसको बिल्कुल कम कर दिया और उसको हम इसको घुमा देंगे। तो ये देखना बिल्कुल, यानी ऐसे जैसे हमारी बिल्कुल हमारी पिक्चर का शेडो नीचे आना चाहिए। तो चलिए, तो ये देखें हमारी पिक्चर का शेडो नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये देखना, अब हम इसकी ब्राइटनेस कम करेंगे और थोड़ा सा ऊपर ब्लर कर देंगे तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने इसको देखना है, तो ये देखो बिल्कुल, आप उसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं इसकी ब्राइटनेस को, ये देखें बिल्कुल फेक नहीं लग रही है थोड़ा। तो ब्लर इस पर मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा ब्लर करना चाहिए यार, जिसकी वजह से हम ये थोड़ा सा फैलेगा और हम इसे यार ये ज़्यादा ये हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। तो हम इसे यार ये देखो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे थोड़ा सा कम कर लेते बैक करके दोबारा थोड़ा सा इसे यहाँ से करेंगे थोड़ा यहाँ पे ओके ओके के बाद। तो ये देखो यार हो गया, ठीक है। होने के बाद मुझे कम कर देना है। तो यार आपको देखें, मैं इतने प्यार से आपको बना बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने बिल्कुल गौर से देखना है कि यार कहाँ से बनती है कैसे, और आप इन चीज़ों पर गौर करना है मैं इसमें क्या क्या यूज़ करूँगा। तो यार जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ना, तो आपको पास शायद ना हो तो आपको मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डाउनलोड बता दूंगा कि वो कैसे डाउनलोड करें। मैं उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा तसली बख्श, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूँगा। चलिए यार अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आपने अभी गौर से देखना है, ठीक है। तो मैं अब बोलूँगा नहीं। तो यार जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं इसको यहाँ से लाइट स्क्रीन है यार, यहाँ से आप कोई भी जो आपको पीछे बैकग्राउंड अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो नीचे वाला बैकग्राउंड है इसके साथ मैच होना चाहिए, ये भी ऐसा लगे कि मैंने बैकग्राउंड अलहदा और ये नीचे वाला फ्रेश मेरा अलहदा है। तो यार देखो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से देखें, यहाँ से थोड़ी सी लाइट लगा लेते हैं यहाँ पर ना, थोड़ी सी रोशनी, यानी जैसे हमारी इधर से सूरज की रोशनी आ रही है, तो हम यहाँ पर रखने वाले हैं फ्लैश लाइट, वो भी मैं खुद से रखूँगा। तो आपके सामने यार मैंने तैयार की है, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ भी रियल नहीं थी, ठीक है। तो यार अगर अब आप लेकिन अगर आप अब भी इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर ना करें तो यार फिर आपकी मर्जी है, आप भाई के साथ तावन नहीं करना चाहते। तो यार देखो यहाँ से देखो कितना वाइट और यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, ठीक है। तो हमने इसको ऊपर थोड़ी सी यानी इधर से शेडो हमने इधर से थोड़ा सा ख़त्म कर दिया और इधर थोड़ी सी लाइट, यानी हम इधर से बहुत ज़्यादा हमारा जो है फेस वो बहुत वाइट नज़र आ रहा है। तो आप देखना कि अभी जब मैं इस पर फ्लैश लगा दूंगा तो बिल्कुल ऐसे लगेगी रियल के जैसे सिर्फ एक क्लिक में किया है, सिर्फ इसकी कलर ग्रेडिंग हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चले। तो
ये आपने देखना है कि ठीक है मेरे हेयर्स है ना जो उनके बैकग्राउंड के साथ उनको हमने थोड़ा सा मिला देना, तो ये देखना मैं किस तरह से मिलाता हूँ। तो ये देखें इसको स्टक करता हूँ स्टार्ट, तो ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ये थोड़े थोड़े मेरे ये देखें बाल मैंने निकाल दिए हैं। बाल निकालने के बाद तो यार ये देखिए जब मेरे हेयर्स के अंदर से छोटे छोटे जो सुराख सा है उसके अंदर से जब मेरे हेयर्स के बैकग्राउंड नज़र आएगा तो कोई जूम करके अभी देखेगा तो उसे भी पता नहीं चलेगा कि यार मेरे हेयर्स रियल हैं या फिर मैंने थोड़ी से एडिट किया हुआ है। ठीक है तो चलिए अब आपने इसको देखना, मैं इसको थोड़ा सा और बालों को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने इसको किए मॉडल ने इस तरह ऐसे फेस किया हुआ तो इसके फेस के ऊपर, तो ये देखिए थोड़े से बाल हम थोड़े से लटका देते हैं। तो ये देखिए यार कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मुझे बहुत अमेजिंग लगते हैं यार इस तरह के हेयर्स है ना। तो ये देखना आपके सामने मैं बनाऊँगा कितने प्यारे लगेंगे। तो ये देखो अब मैं इसको बनाने वाला हूँ। ठीक है तो अब हमने इसको बना दिया, अब इनको बनाने के बाद ना अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्सचर कर देना है। मिक्सचर करने के बाद ये देखना कितना ज़बरदस्त मिक्सचर होगा। अब मेरी पिक्चर में देख थोड़े थोड़े जैसे जैसे पिक्सल्स पड़े होते हैं इतना से लगेगा। तो अब मैं जब मिक्सचर कर दूंगा तो अगर आप कहेंगे यार मिक्सचर की भी एक सेटिंग होती है अच्छे वाली, ठीक है मॉडल अब अपनी पिक्चर की हिसाब से की सेटिंग रखते हैं तो ठीक है आप मुझे बताएं, मैं आपको एक सेकंड एक सेटिंग बताऊंगा। ठीक है तो आप उसको देखेंगे क्योंकि आप सिर्फ उसको छेड़ दोबारा कभी आपको सेटिंग को छेड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है तो आपने सिर्फ पिक्चर को वहाँ से सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद आप उस वक्त मार लेंगे आपकी पिक्चर बिल्कुल रियल लगेगी। ठीक है तो आप मुझे अगर आपको ऐसी ट्रिक चाहिए तो यार आप मुझे बताना, बेलाझक बताना अपने भाई को। ठीक है तो यार आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार भाई आप ऐसा नहीं कि यार मैं आपको हर तरह की वीडियो जैसी आप कहेंगे, मुझे एक बंदा भी कोई कमेंट करेगा कि भाई इस तरह की वीडियो बनाओ तो मैं बिल्कुल उसी तरह की उसे वीडियो बना कर देता रहूँगा। तो ठीक है यार इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो और टल्ली का निशान है उसको ज़ोर से बजा दें, ठीक है ताकि मुझे भी ज़ोर से आवाज़ आए। ठीक है तो ये देखिए यार ये हमारा खत कितना प्यारा है, तो ये हमारा कितने प्यारे खत इतने प्यार से बन गया। तो मेरे फेस पे आपके सामने कितने निशान थे, एक निशान के बाद ये देखें हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें नोज़ के ऊपर मैं आपको नोज़ के ऊपर देखना अभी कितने ज़बरदस्त से इतने देखा कितना प्यारा फेस लग रहा है। ठीक है फेस हमारा कितना प्यारा लग रहा है तो आपने अब देखते चलना है कि मैं किस तरह से बनाता हूँ। ठीक है जहाँ से कोई पॉइंट आएगा मैं वहाँ से आपको ज़रूर बताऊँगा बोल कर। ठीक है तो ये देखना तो यार ये देखो कितना प्यारा हमारा फेस हो गया। तो थोड़ा सा होठों पर भी कर लेते हैं। ठीक है तो ये पे कान पर तो देखना हमारे गर्दन में और मुंह पे आप फ़र्क देखें, गर्दन देखें और फेस देखें इसमें कितना फ़र्क है। ठीक है तो अभी हम जब गर्दन के ऊपर भी देखना मैं मिक्सचर लगा रहा हूँ। ये देखना इसके ऊपर मैंने मिक्सचर लगा दिया, मिक्सचर लगाने के बाद ये देखो कितना मैच हुआ लेकिन कलरिंग वो नहीं है। ठीक है तो अभी जब मैं आगे जाके कैमरा और फिल्टर से कलर ग्रेडिंग करूँगा तो देखना ही कितने प्यार अच्छे से ऐसे बिल्कुल रियल में ज़बरदस्त कमाल की हो जाएगी। ठीक है तो ये देखें हमारे यहाँ से बाजू भी, तो ये देखें एक जैसा हमें करना है, चाहे कलर ब्लैक है चाहे वाइट, आपने इस बात से नहीं घबराना। ठीक है आप ये जो डोंजी ट्यूल है यहाँ से सिलेक्ट करके भी इसके ऊपर ऐसे अपनी यानी अपने हिसाब की वहाँ से सिलेक्ट करके यानी वाइटनेस तो आप इसके ऊपर मार सकते हैं। अगर नहीं तो यार मुझे तो ऐसे ज़बरदस्त लगे क्योंकि ज़्यादा वाइट जो पिक्चर होती है वो बिल्कुल फेक फेक लगती है, उसका साफ पता चलता है कि हाँ यार ये एडिट हुई है। ठीक है तो ये देखना यार जहाँ से इसके ऊपर शेडो, मैं शेडो को बिल्कुल नहीं हटाता, ठीक है शेडो भी रहने देता हूँ तो उससे क्या है कि उससे लगता है हमारी तस्वीर बिल्कुल रियल लगती है। ये बस इतना पता लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह या फिर इस तरह की कोई कलर ग्रेडिंग की हुई है। ठीक है तो ये नहीं पता चलता कि मैंने इसकी कलर यानी जो है कि शेडो वगैरह ये मैंने खुद बनाई है, नहीं बिल्कुल भी नहीं पता लगता। ठीक है तो आपने यहाँ से गौर से देखना कि मैं किस चीज़ को छेड़ता हूँ और कि कहाँ कहाँ से मैं की यानी रेडनेस और थोड़ी सी सिल्वर कलर की गोल्डन कलर की देखे मेरी कुछ किस तरह की मेरी इस तरह की स्किन थी। तो अभी देखना इसको लोडिंग पूरी होने के बाद तो देखना यार मेरी स्किन किस तरह की हो जाएगी। तो लोडिंग थोड़ी सी देर ले रही है यार, चलो इसको होने दे। ठीक होने के बाद ये देखिए हमारी हो गई लोडिंग, लोडिंग कंप्लीट। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई। तो ये देखना मेरे फेस का कितना ज़बरदस्त कलर ग्रेड आ गया। तो मैं इसको थोड़े से यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर लगानी है फ्लैश लाइट। मेरा जहन बन रहा है कि मैं इस पर फ्लैश लाइट लगा दूँ, लगा के देख लेते हैं। ठीक है तो पहले
ये टैटू लगा लेते हैं यार। ये टैटू लगाने के बाद ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। आगे आपने सिर्फ वीडियो देखनी है यार, आपने कुछ सोचना है। अगर जब आप वीडियो देख रहे हो तो यार आपका ध्यान सिर्फ वीडियो की तरफ होना चाहिए। तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ, 100% गारंटी से कि आप यार एक दो दफ़ा वीडियो देखेंगे तो कसम से आप पूरी वीडियो, आप इस तरह की बिल्कुल इसी तरह की तो नहीं यार मैं कह सकता, ठीक है, 100% आप पिक्चर को अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो यार मैं ब्लर लगा रहा हूँ लेकिन यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसे थोड़ा सा ले लेता हूँ। फिर भी ये देखे तो मैंने इनको ब्राइटनेस कम कर दी थी। यहाँ से मैं इसकी कंट्रोल जे कॉपी और मैं इसकी इस वाले बाजू पर, ये जो मेरा ये देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के बाद मुझे हमने लगा दिया है, ठीक है। अब इन्हें जूम करके हमने इसे रेजर करना जो साइड पे, तो हम इसे इधर कर लेते हैं और थोड़ा सा और इसे हम ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो हमारा बाहर था तो हमने बिल्कुल लाइट ब्रश लेकर, सॉफ्ट ब्रश है जो, उसे हमने इसे रेजर कर दिया। तो रेजर करने के बाद यार तो ये देखो मुझे शेडो भी बिल्कुल रियल लग रहा है, तो इसके ऊपर यानी पीछे वॉल के ऊपर भी है और नीचे जमीन के ऊपर भी। तो यार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने देखना मेरे पास एक फ्लैश का PNG पड़ा होता है, ठीक है, फ्लैश लाइट का। तो आपने देखना मैं फ्लैश लाइट लगा देता हूँ, ये देखना ये मेरे पास फ्लैश लाइट आ गई है। फ्लैश लाइट आने के बाद तो मैं इसको जितना मुझे इसे रखना है तो मैं उस तरह से और पूरे तरीके से इसे एडजस्ट करूँगा, इसका शेडो बनाऊँगा। तो पूरे इसे यानी हम बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं लगने देंगे, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो मैंने इसे रेजर, मैजिक रेजर है मेरे पास, ये देखें आप मैजिक रेजर है इसको, तो ये देखें मैं इसे एडजस्ट, ये देखो यहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा वाइट है, यहाँ से भी वाइट है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइट लगाऊंगा ना तो बिल्कुल ऐसे रियली में ये ऐसे हो जाएगी कि यार जैसे मेरी तस्वीर मैंने यानी किसी स्टूडियो बैकग्राउंड में ये तस्वीर क्लिक की है। तो यार देख मैं इसको थोड़ा शेडो कम कर देता हूँ, ये देखें मेरा कितना ज़बरदस्त शेडो बन गया है मेरी फ्लैश लाइट का। देखें मेरी पर यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है, इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है, ठीक है। जो मेरी घर की बैठक है जो मैं वहाँ पे यार अपना स्टूडियो खोला हुआ है, मेरे पास है 700D D70, मेरे पास कैमरा है, ठीक है। तो यार इंडोर मेरे पास बहुत कम आते हैं लेकिन मैं जो है ज़्यादातर टाइम देता हूँ फोटोग्राफी को, ठीक है। मेरी ये ख्वाहिश है, मैं अपना पैशन बनाना चाहता हूँ ये फोटोग्राफी, ठीक है। तो यार आप मेरा साथ तावन करें भाई के साथ, तो इंशाल्लाह यार आपका भाई बहुत जल्द बनेगा, बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे यार हम। और फिर आप जैसे अगर आपको प्रीसेंट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो यार मैं आपको ज़रूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम इसको कर लेते हैं यार। तो ये जो कोरोना वोना चल रहा है इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है यार, इसमें बहुत ज़्यादा यानी पेन होती है मेरे तो। लेकिन मैं कहता हूँ यार दोस्तों के लिए यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, जो हमारे साथ तावन करने हैं हमें भी उनके लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यार ये देखो मैंने आपके सामने फ्लैश लाइट लगाई है, मैं थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ ना लाइट वगैरह और अपनी स्किन कलरिंग। तो यार देखो मैं इसको है ना करने के बाद में इसको थोड़ा सा रेडनेस, मैंने अपनी होंठ है जो मैंने अपने होंठों को करना है थोड़ा सा, यानी लगे होंठों मेरी फिर भी सही है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा करना चाहिए उन्हें, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी थोड़ा सा लगा लेता हूँ, ठीक है, लगाने के बाद उन्हें करना है एक ओके। और यहाँ से देखो ये FX लगा देंगे, FX लगाएंगे हम यहाँ से इतना, और यहाँ से थोड़ा सा इसको लाइट, यहाँ से हाई लाइट को मेरा ख्याल है कि रहने देते हैं। देखिए लोडिंग होना शुरू हो गई है, ठीक है, ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद तो ये देखिए इस तरह की भी मेरी वीडियो आ गई, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया क्रॉप, तो ये देखो यार, ठीक है, इसको हमने यहाँ से करना है क्रॉप। तो ये क्रॉप करने के बाद यहाँ से हो जाएगी एडजस्टमेंट में, और पूरे तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इसे हमने अच्छी सी वीडियो बना लेना है, ठीक है। तो यार ये देखो कितने ज़बरदस्त से मैंने इसको क्रॉप भी कर लिया, बिल्कुल फेक नहीं लग रही है, ठीक है। तो यार अब मैं इसके ऊपर लगाने वाला हूँ एटीट्यूड वाली राइटिंग, तो मैं एटीट्यूड वाली राइटिंग मेरा ख्याल ले तो मैं ले आता हूँ। यार ये वाली राइटिंग नहीं मुझे चाहिए, तो मैं ये देखो एटीट्यूड वाली राइटिंग मैंने अपने पास ले आया हूँ, ये तो ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखे मैंने अपने
यानी देखो मेरे हैंड के पास है बिल्कुल, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जूम, यानी जो भी मैंने इसको करना है तो मैं आपके सामने ही करूँगा, ठीक है, आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। तो ये देखो यार, तो अब भाई के साथ हूँ, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पार्ट फोटोग्राफी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आई हो तो चलिए।